हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो आपके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि आपको उसे अनफ्रीज कैसे कराना है और साथ में आपको वो क्या बेसिक डिटेल्स चाहिए जिससे आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। ये डिटेल्स हैं जैसे कि किस साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, कंप्लेंट या एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, FIR नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन डिटेल क्या है जिनकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब ये सारी डिटेल्स लिए बिना हम अपना बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं करा सकते हैं, तो ये सब डिटेल्स लेने के लिए हम बैंक पर ही निर्भर होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बैंक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है, महीने बीत जाते हैं चक्कर लगाते लगाते और हम परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम बैंक से आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर देंगे। साथ ही साथ भारत में कहीं भी अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो हम उसको अपने साइबर एक्सपर्ट लॉयर्स के द्वारा अनफ्रीज करवाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। अभी तक 2000 प्लस बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने का हमें पूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपकी लीगल हेल्प करने में पूरी तरह सक्षम हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।